हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटेलिजेंट ट्रैवल टॉक। फ्रेंड, जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग में देखा था कि हम गुलमर्ग से वापस आ गए थे और हमने अपनी हाउस बोट में चेक इन भी कर लिया था। तो हमारी जो हाउस बोट है वो बहुत ही अच्छी है, उसका रिव्यू हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में देंगे। फिलहाल अभी हम लोग निकले हैं शिकारा राइड के लिए और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। शाम के 4:30 बज रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। फिलहाल बहुत ही रिलैक्सिंग लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है बस आराम से, मतलब इस नेचर को फील करते रहो। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा प्लान है कि हम जस्ट 2 आवर्स के लिए शिकार राइड करने वाले हैं। जस्ट नहीं, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा टाइम है। तो हमने टारगेट किया कि हम पूरी फुल शिकार राइड करेंगे, पूरा का पूरा प्लेस यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और आगे हम आपको प्राइस भी ज़रूर बताएंगे शिकार राइड का, और अपना पूरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आपको ना एक एक अट्रैक्शन शो करेंगे जो हम शिकार राइड में कवर करने वाले हैं। का स्वर्ग कहते हैं इसे, ये है भारत की शान, ये है कश्मीर, ये है कश्मीर, कश्मीर मेरी जान। और हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं शिकारा राइड में। और अभी शाम हो रही है, 4:30-5 बज रहे हैं और बहुत हल्की हल्की सी ठंडी हवा चल रही है और हम लोग को बहुत 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 मज़ा आ रहा है, बहुत ही रिलैक्सिंग है। और वैसे 15 मिनट पहले भी 4:30-5 बोली थी, अब 5 बज गए। 5 तो फ्रेंड्स, दूर से अभी जो आपको दिखाई दे रहा है वो नेहरू पार्क है। यहाँ पर बेसिकली जैसा आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हमने बहुत सारे गार्डन इंजॉय किए थे, तो हम बहुत ज़रा टायर्ड हो चुके हैं, तो हम नेहरू पार्क में रुक नहीं रहे हैं। वैसे यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी होती है, तो वो भी हम आपको, जैसे हमें आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो भी हम आपको ज़रूर देंगे। जी सर, हमारे 25 सालों के ये बिजनेस। अच्छा, ये ऑनलाइन शॉप है सर, ये डॉल्फिन कैप्टेरिया है। हम बेचते हैं ट्रोट फिश, ये बर्फ़ का पानी का फिश सर। इसमें कांटा एक होता है, वो पेलन बोलता, और चिकन कबाब है, चिकन टिक्का है, मटन टिक्का है सर। और हमारे पास अखरोट का चटनी वो स्पेशल है बनाता है। अच्छा, वो लोकल चटनी नहीं बनाता, हम टूरिस्ट को बोलता पहले खा फिर पैसा, मज़ा नहीं आएंगे एक पैसा नहीं लूँगा। ये मैं नॉन वेज अलग रखता है, वेज अलग, टूरिस्ट को मैं पहले बताता, बर्तन भी अलग, सब कुछ अलग अलग है। अच्छा, उसके साथ नॉन वेज के टच नहीं है। अच्छा, तो ये आपके पास पनीर टिक्का है और मशरूम है। मशरूम है, और नॉन वेज में क्या क्या है? चिकन टिक्का है, हाँ ले लो, ये चिकन टिक्का है सर। हाँ, बटर लगा के देता है हम टूरिस्ट को ये चिकन। ठीक है, और हो गया सर, हमारे पास ट्रोट फिश है, ये बर्फ का पानी का फिश, ठंडा नहीं, ठंडा फिश होता है, पहलगाम का फिश है। और मैं दूसरा चीज़ भी बनाता हूँ, मटन टिक्का वो ख़त्म हो गया, और वो चिकन कबाब भी बनाता लंबा वाला, वो भी ख़त्म हो गया। अभी मेरे पास चलता है चिकन टिक्का और फिश टिक्का और मशरूम टिक्का, बाकी माल ख़त्म हो गया हमारे पास। बहुत गर्म है, इसमें कांटा वांटा कुछ भी नहीं, ये बच्चा लोग भी खाएंगे सर। फिश ट्रोट? हाँ सर, ये पहलगाम का फिश है, आइस वाटर का नहीं। बस तो फ्रेंड्स, ये हमारी फिश, मजा
और इसमें जैसा भैया ने बोला था कांटे नहीं मिलेंगे, वाकई में नहीं है और अच्छा टेस्ट है। तो यहाँ पूरा जो टेस्ट है फ्रेंड्स वो ना अखरोट की चटनी का है, चटनी बहुत बढ़िया है, फिश भी बहुत अच्छी है। तो आप जब भी कश्मीर आए फ्रेंड्स आपको वेज नॉन वेज दोनों के ऑप्शन भरपूर मिलेंगे, आप जो भी फूड प्रिफर करते हैं आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे हर्षा वेज खाती है उसके पास भी बहुत ऑप्शन है यहाँ पर, और नॉन वेज वालों के लिए भी बहुत ऑप्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हुक्का का ऑप्शन भी मिल जाएगा जब आप शिकारा राइड इंजॉय कर रहे हो। तो इन्होंने हमें 700 रुपीस पर आवर बोला है, बट आई थिंक बार्गेनिंग करने से रेट और कम हो जाता, हमें जो कि यूज नहीं करना था दैट्स व्हाई हमने बार्गेनिंग नहीं की। तो बस आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी कि हुक्का का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वाटर स्केटिंग भी होती है और उसका प्राइस जो होता है वो 500 से 600 रुपये राउंड का होता है। एक्चुअल में हमने किया तो नहीं है लेकिन हमने पता किया है, तो आई थिंक बार्गेनिंग भी पॉसिबल होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक है सर। फारूक जी, ये जो गांव देख रहा है यहाँ, ये पूरा पानी के बीच में यहाँ पर है। अच्छा, ये लोग यहाँ ज़्यादा ज़मीन के काम कर रहे हैं, जो सब्जी गार्डन बनाते हैं ना, वेजिटेबल गार्डन जिसे उगाते हैं यहाँ के लोग, और यहाँ अंदर में खेती भी होता है, सबसे बड़ा वो खेती है यहाँ। कितना बड़ा है क्या? लेक तो 35 किलोमीटर था, अब उतना नहीं रहा लेकिन अभी भी है, अगर आप पूरा दिन भी घूमेगा शिकारा में तब भी रास्ता नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना है। अगर आप टूर ट्रैकिंग भी करना चाहते हैं शिकारा में वो भी होता है। क्या होता है? जैसा पानी के ट्रैकिंग जो होता है, जैसे बिफोर 18 मतलब 90 में जाता था, 95 में जाता था, जैसा गांधरबल, उलर लेक, मानसबल लेक, वो हम जाते थे इसी शिकारे के अंदर। तो अभी क्या है, अभी मतलब वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि अभी थोड़ा मतलब रास्ता भी उतना नहीं है, रास्ता है लेकिन थोड़ा जगह मतलब वो तो ज़्यादा अंग्रेज लोग जाता था, इंडियन लोग तो वो प्रॉफिट नहीं कर सकता उधर जाने के लिए, उधर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए अब शिकारा में जाता था, ऐसा रहता था। और अभी क्या रहता है, अभी खाली यही हो गया साइड से, जैसा अभी आप देख रहे हैं यहाँ से राउंड करके फिर सीधा अंदर के साइड से जाते, ये हो गया लोकल इन लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ऐसा रहता है सर। और ये ठंड में क्या होता है, दिसंबर में ठंड में यहाँ पूरा फ्रीज रहता है, तो फिर बंद? नहीं, उस वक्त हमको तोड़ना पड़ता है, बिल्कुल तोड़ना पड़ता है। चाय? हाँ सर, चाय। हाँ तो एक बार अभी नया बनाएंगे क्या? नहीं रेडी है। अच्छा रेडी है, तो उसमें दूध पूरा तो नहीं है कहीं? नहीं, पानी मिक्स है ना, मेरे को दूध कम पानी ज्यादा चाहिए। और मैगी वगैरह, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स? ठीक है, मैगी कितना टाइम लगेगा? 50 सर प्लेट। नहीं नहीं, टाइम 2 मिनट जल्दी बन जाएगा। ठीक है, एक प्लेट मैगी कर दीजिए। और चाय कितने की है? चाय है 20 सर। ठीक है, दो चाय और एक मैगी जल्दी। तो फ्रेंड्स ये चाय है 20 रुपीस पर कप आपको मिलेगी, थोड़ी कॉस्टली आपको यहाँ पे मिलेगी, वैसे भी लेक के अंदर आप थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्ट करेंगे टूरिज्म प्लेस में, लेकिन टेस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको पी के बताता हूँ। टेस्ट ठीक है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही है, क्योंकि हम पूरी दूध वाली प्रेफर नहीं करते हैं, तो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। सनसेट होने वाला है, वैसे अभी टाइम है लेकिन फिर भी व्यूज इतने अच्छे आ रहे हैं कि मैंने सोचा आपको जरूर शो कर दिया। तो फ्रेंड्स हम यहाँ शिकारा में एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं, और अभी तक जो हमने एंजॉय किया है वो तो आपने देखा ही है, लेकिन हमने दो चीजें मिस की हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। नेहरू पार्क भी था यहाँ पर, चूंकि हम बहुत सारे गार्डन आज घूम चुके थे इसलिए हमने नेहरू पार्क ना जाने का ही डिसीजन लिया। बेसिकली छोटा सा पार्क था, आप चाहे तो वहां पर भी 15-20 मिनट्स एंजॉय कर सकते थे, तो हम वहाँ नहीं गए। डल लेक में ही, मतलब जब आप शिकारा राइड कर रहे होंगे तो आप नेहरू पार्क में रुक सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर वाटर स्केटिंग का, आई थिंक स्केटिंग थी ना? हाँ, वाटर स्केटिंग का ऑप्शन था, 500 से 600 रुपए था उसका फुल राउंड का, तो वो भी हमने इंजॉय नहीं किया क्योंकि हमने गोवा में ये सब वाटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा किए हैं, तो एज सच हमारा मन भी नहीं था,
हम बहुत ज्यादा टायर्ड भी थे, बस मन यही था कि हम लोग बस ऐसे रिलैक्स करें और खाते पीते रहें, खाते पीते रहें, क्योंकि हम थक गए थे तो हम लोगों ने ज्यादा ऐसे रिलैक्स करने ही प्रिफर किया रेदर देन ये सब एक्टिविटी करने के। और वैसे भी हम भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जब आप शिकार राइड एंजॉय कर रहे हो ना, वैसे देखो आप कश्मीर में रहोगे तो 5 दिन तो आप इधर उधर बस भागते ही रहोगे, ठीक है, एक अट्रैक्शन से दूसरा अट्रैक्शन, दूसरे से तीसरा। तो जब आप शिकारा राइड एंजॉय कर रहे हो ना, तो उस समय किसी अट्रैक्शन के बारे में मत सोचो, उस समय बस आप बोट में बैठे बैठे ही चीजों को एंजॉय करो। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए यहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट, यहाँ पर शॉपिंग वगैरह के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जब भी आप शिकारा राइड आएँ तो इस तरीके से ही अपनी राइड बुक करवाएं कि आपको फ्लोटिंग मार्केट आने का मौका जरूर मिले। काफ़ी बढ़िया मार्केट है, आप चाहे कुछ खरीदें चाहे ना खरीदें इस मार्केट में जरूर आइए। तो फ्रेंड्स ये है आपका वेजिटेबल गार्डन, जब आप समर में आएंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दिखाई देंगी, दैट मीन्स अप्रैल मई में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक शॉप में जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स बाय करने के लिए, या बेसिकली हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर हमें समझ में आया तो हम बाय करेंगे। वैसे हम आपको रेकमेंड करेंगे कि अगर आपको सिर्फ एक ही जगह से बाय करना हो ना, तो जब आप पहलगाम जा रहे हो श्रीनगर से पहलगाम, तो उस रास्ते में आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया शॉप्स मिलती है, ऑथेंटिक शॉप्स मिलती है, तो वहां से आप जरूर बाय कर सकते हैं। वैसे आप कहीं से भी बाय कीजिए, लेकिन हम आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं कि वहां से आप जरूर बाय कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस वहां पे मिल जाते हैं। मैडम अभी एक दाना टेस्ट करो, ये बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। ये क्या है? ये लेमन टाइप आ रहा है, ये ब्लूबेरी है, इसके अंदर छोटे पीस निकलता है। ये हो गया चेरी, क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी। इसका ऑयल देखना है सर, जो बादाम कश्मीर का होता है उसमें ऐसा तेल होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसका निशानी होता है। खा बहना अभी एक दाना खाओ, एक दाना से कोई भी दाना इसमें खाओ। ये देखो इसका तेल देखना है, नीचे से ऊपर से कोई भी दाना चाको। बाकी अगर शाल वाला भी लेना है, शाल वाला 200 रुपया किलो है, 300 रुपया किलो है, 600 रुपया किलो है। अच्छा, कागजी वाला जो हाथ, और ये 650 का है, 650। और बादाम, बादाम होता 350 रुपये पाओ, 700 आधा किलो मामरा बादाम। ये जो कॉफी बीन्स है ये कैसे, दिस इज बेटर देन नेस्कॉफी में, इसको कैसे पीस के यूज कर सकते हैं? देखो पहले आप, खुशबू तो बहुत अच्छी है, ये है नेचुरल। इसमें क्या, एक कप में आपको 2 दाना 3 दाना लगेगा। अच्छा, सिर्फ दाने डालना है इसको? नहीं, तो इसको पीसना ग्राइंडर में, इसको हाथ से भी हम करें। देखो ग्राइंडर में पूरा पाउडर जाएगा इसको, जो आपका बादाम का बाहर से आता है ना बहन, वो कैलिफोर्निया बादाम हो गया है, अमेरिकन बादाम, यहाँ का कश्मीर का बादाम होता है, वो 10 बादाम उसके बराबर ये 1 बादाम है, तो है ये मेमोरी के लिए। आप इंशाल्लाह हमारा बादाम खा, फिर आप मैच करोगे आर्मी। देखो ये बादाम भी देखो, वो भी देखो। कैसे बताया बादाम आपने? हाँ जी, बादाम कैसे बताया? 700 रुपये आधा किलो, 700 रुपये आधा किलो, 350 रुपये पाओ। आप कवर में दवा मांगता है या कवर में डाल के दूंगा सर? नहीं, ऐसा दो कि पैकिंग अच्छा हमको लेके जाना। हम, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये हाफ केजी का ही है, ये हम दिखाएंगे आपको। वेट, फ्रेंड्स हम शॉप से बाहर आ गए, हम आपको एक बात जरूर बोलेंगे कि फ्री में काफी कुछ खाने को जरूर मिलता है, ये बात सच है। वैसे हमने बाद में बाय भी किया, लेकिन वो आपको सारी चीजें टेस्ट कराते हैं तो काफी अच्छा भी लगता है आपको। और फ्रेंड्स हम आपको एक और पॉइंट यहाँ पर बोलेंगे कि वो आपको थोड़ा सा प्राइस ज्यादा ही बोलेंगे, तो आप बार्गेनिंग जरूर कीजिएगा। जब हमने बार्गेनिंग की तो प्राइस उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था, जैसे हमने हाफ के जी लिया था तो उन्होंने 100-150 रुपीज तक कम कर दिया। Thank you.
फ्रेंड्स ये प्लेस है मीना बाजार, यहाँ पर हैदर मूवी की शूटिंग भी हुई है, तो आप इस प्लेस को भी यहाँ पर एंजॉय करिए। फ्लोटिंग मार्केट के बाद अब हम आ गए हैं मीना बाजार में। तो फ्रेंड्स अब हम आपको प्राइस भी बता देते हैं, अगर आप फुल राइड करते हैं जिसमें लगभग 2 hours, 2.5 hours लग जाते हैं तो आप 800 to 900 rupees तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो और कम प्राइस में बात बन जाएगी, मेन है कि आप बार्गेनिंग कितना अच्छा करते हैं। तो फ्रेंड अब हमारी ये शिकारा राइड लगभग एंड होने को आ गई है, आप लोग देख सकते हैं शाम हो चुकी है, मतलब अप्रोक्स 7 बज चुके हैं। हम लोगों की ये राइड अप्रोक्स 2 घंटे की थी, लाइट्स जल चुकी हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारा व्यू है शाम का, तो इवन और ज्यादा अच्छा प्यारा व्यू है। हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, आपने देखा हमने खाया पिया शॉपिंग भी इवन कर ली, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत रिलैक्सिंग और हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंजॉय किया। और आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आपको दी और जो भी आपको व्यू शो किया आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, इसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो भी कश्मीर अच्छे से आ पाएँ। तो फ्रेंड्स बाय बाय और अपना बहुत 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 ध्यान रखिए।